कि पानी की बात मुहिम का कारवा पहुंच चुका है मेरठ के जानी ब्लॉक के कलंजरी गांव में। जी हां, चौपाल यहां लग चुकी है, ग्रामीण यहां आ चुके हैं, जल संवाद होगा, जल जागरूकता की बात होगी, तो चलते हैं चौपाल में, आइए। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप सभी? करें हम लोग पानी की बात, सभी लोग ने महाभारत देखी होगी, सभी लोगों ने रामायण देखी होगी, तो रामायण में एक दृश्य ऐसा आता है जब भगवान राम जब लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांध रहे होते हैं, तो वो भगवान थे, चाहते तो पूरे एक तीर में समुद्र सुखा देते पूरा, और क्या होता, सूर्य की सेना निकल जाती लंका की, लेकिन नहीं, उन्होंने 7 दिन तक समुद्र देव की पूजा करी। क्योंकि उनको ध्यान था समुद्र के अंदर रह रही मछलियों के बारे में, कछुओं के बारे में, डॉल्फिन मछलियाँ सबके बारे में। मतलब जब भगवानों ने त्रेता युग में सोच लिया कि मछलियों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो जब हम आज अपने आप को हिंदू बड़े गर्व से कहते हैं, हम भगवान राम के अपने आप को आदर्श मानते हैं, अनुयायी मानते हैं, तो हम अपने भगवान के आदर्शों पर क्यों नहीं चल रहे? फैक्ट्रियों में बिल्डिंग बनाने के चक्कर में आज हम जंगल नष्ट कर रहे हैं, और जब जंगल नष्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तेंदुआ जैसे लोग जानवर शहरों की ओर बढ़ेंगे। अब आज दिन तेंदुआ हमारे वहाँ आकर रहता है, हम कहते हैं तेंदुआ कैसे, क्या मतलब तेंदुआ खाने, जंगली जानवर है। अरे जब हम जंगलों में घुसेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, सोचिए ना भाई, खूंखार जानवर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उनके जंगलों में घुस के हम उनके घरों में जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हम फिर भी सोचे कि भाई तेंदुआ क्यों शहर में आ रहा है, ये हम खुद ही अपनी प्रकृति का नाश कर रहे हैं। सोचिए कि वो स्थिति अपने ही शहर में, एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ हमें पानी भरपूर मिल रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक जगह वो भी अपने मेरठ में कुछ किलोमीटर दूर कि जहाँ लोगों को पानी नसीब नहीं, और अगर पानी मिल भी रहा है तो कैंसर वाला गंदा बदबूदार पानी इस्तेमाल, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए और प्रण लीजिए कि आप लोग पानी को बचाएंगे।